हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हृतिक शर्मा डिफेंस मोटिवेशन। में आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे जीके। कौन सी जीके? जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम करेंगे मिक्स क्वेश्चंस, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द वेदा विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूज़िक। इंडियन म्यूज़िक के लिए कौन सा वेद है जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? इंडियन म्यूज़िक के लिए, इंडियन म्यूज़िक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वेद है साम वेद। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अजात शत्रु वासी सनाफ। अजात शत्रु जी किसके सन थे, किसके बेटे थे? अजात शत्रु वासी सनाफ बिंबिसार। ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट रहेगा। और इसे नोट करते रहो जल्दी जल्दी से, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हर किसी एग्जाम में आ सकते हैं। हु फाउंडेड द फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी को किसने फाउंड किया था? फतेहपुर सिकरी को फाउंड किया था अकबर ने। इसका सही आंसर रहेगा डी, और इसे आप जल्दी से नोट कर दो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अच्छा, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था वो कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और आपको इसी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता दूँ, और इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी? 1885 में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने फॉर्म किया था? एओ ह्यूम ने फॉर्म किया था, ठीक है। एओ ह्यूम ने फॉर्म किया था, इसे भी आप नोट कर दो जल्दी जल्दी से। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज दी फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। हु वॉज दी फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे? प्रार्थना समाज के फाउंडर थे आत्माराम पंदू रंग, ठीक है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेम द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। इंडिया का जो लॉन्गेस्ट हाईवे है वो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है इंडिया का? वो है NH-44। इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम हाउ मैनी स्टेट्स इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितनी स्टेट से पास करता है? वो करता है 8 स्टेट से पास, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी जल्दी से। अच्छा, विच सिटी इज कॉल्ड एज द राइस ऑफ बॉल। राइस ऑफ बॉल हम किस सिटी को बोलते हैं, इंडिया की किस सिटी को हम राइस ऑफ बॉल बोलते हैं? वो है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है फ्रेंड्स रायपुर, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन। पोंगल फेस्टिवल, जो पोंगल फेस्टिवल है वो कौन किससे संबंध रखता है? जो पोंगल फेस्टिवल है वो किससे रिलेटेड है? पोंगल फेस्टिवल है जो, वो है तमिलनाडु से, ठीक है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बुलंद दरवाज़ा इज सिचुएटेड ऑन। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे सिचुएटेड है? जो बुलंद दरवाज़ा फ्रेंड्स वो है फतेहपुर सिकरी में सिचुएटेड है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का यूनिट क्या रहता है फ्रेंड्स? लाइट ईयर रहता है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ए ल्यूकेट ड्रॉप टेन टू अस्यूम ए स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ। जो ल्यूकेट ड्रॉप है उसकी स्फेरिकल शेप किसकी वजह से होती है? कोई भी ल्यूकेट ड्रॉप है, रेन ड्रॉप है, उसकी स्फेरिकल शेप किसकी वजह से होती है? उसकी स्फेरिकल शेप होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम टी से लिखते हैं, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? फोर्स एक्टिंग टू द पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। जो भी सरफेस टेंशन जब भी किसी भी बॉडी पर लगती है उससे क्या होता है? कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स राइस होती है। एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स राइस होने की वजह से उसकी स्फेरिकल शेप बन जाती है। जब भी किसी की स्फेरिकल शेप हो वो मिनिमम एरिया लेता है। जब भी अब रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप ऊपर से आना है, उसके लिए मिनिमम एरिया होगा। मिनिमम एरिया आएगा तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी। इसलिए जो ल्यूकेट ड्रॉप होते हैं उनका स्फेरिकल शेप किसकी वजह से होता है? स्फेरिकल सरफेस टेंशन की वजह से। इसे आप जल्दी जल्दी से नोट कर दो, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एटॉमिक थ्योरी किसने दी हुई है? एटॉमिक थ्योरी दी हुई है सर जॉन डाल्टन ने दी हुई थी, ठीक है। एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला हुआ है? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर वी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर वी डिस्ट्रॉयड। अब बात करें एटम क्या होता है। एटम एक स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो ब्रेक नहीं होता है बड़े सारे पार्ट्स में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
द प्रोसेस बाई विच मिल्क कैन बी कन्वर्टेड इन टू कर्ड, वो वाला प्रोसेस बताओ जिसमें जो मिल्क होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट रहेगा। और भी देखिए, अगर आप मतलब मेहनत करेंगे तो तभी कुछ कर पाएंगे। ये नहीं मतलब देखिए, अब आपको लॉकडाउन में मौका मिला हुआ है, लॉकडाउन में मौका मिला हुआ है तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रांग करो। अगर आप अपनी तैयारी को स्ट्रांग नहीं करोगे तो आप कैसे जीत पाओगे? ये मतलब आपकी एक जंग है, कोरोना से भी और एक अपने पेपर से भी। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है? आपको सब आना चाहिए और अपनी मेहनत को इसी हिसाब से करो। अपना एक फ़िक्स टाइम टेबल बनाओ, फिक्स टाइम टेबल बनाने के बाद उसके उस पर काम करो। टाइम टेबल मतलब 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप कितना 6 घंटे सो और बाकी सब अपने काम में लगाओ, जिसमें पढ़ने के लिए भी आप अपने 6-7 घंटे दो और पढ़ो, वीडियो देखो, जो भी करना है पढ़ो, लेकिन इस समय अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। ये टाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। और चलिए अगले क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है? चलिए जल्दी से। अच्छा, भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984 रिलेटेड टू, एक भोपाल की एक इंडस्ट्री में गैस लीक हुई थी 1984, वो कौन सी गैस थी? वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ये मिक्स क्वेश्चन की सीरीज है। मिक्स क्वेश्चन की सीरीज अब मैं चला रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को देखते रहो, लाइक करो और शेयर भी करो अगर पसंद आए तो। चलिए अब हम जल्दी जल्दी से इनकी रिविज़न कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, नेम द वेदा विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वेदा कौन सा? साम वेदा। अजात शत्रु वाज़ द सन ऑफ, अजात शत्रु जी किसके सन है? बिम्बिसार के। हु फाउंडेड द फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी को किसने फाउंड किया? अकबर जी ने। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज़ हेल्ड विच प्लेस, विच किस प्लेस पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था? वो हुआ था बॉम्बे में। हु वाज़ द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है? आत्माराम पंडुरंग। नेम द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, NH 44। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। फ्रॉम विच स्टेट इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है? वो 8। विच सिटी इज कॉल्ड एज द राइस ऑफ बॉल, राइस ऑफ बॉल हम किस सिटीज को बोलते हैं? छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पोंगल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू तमिलनाडु, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब चलिए, बुलंद दरवाजा इज सिचुएटेड इन, बुलंद दरवाजा कहाँ पे सिचुएटेड है? फतेहपुर सीकरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कौन, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का यूनिट कौन सा है? लाइट ईयर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ल्यूकेड रॉक टेंड टू अज्यूम ए स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ, ल्यूकेड रॉक की स्फेरिकल शेप किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। अच्छा, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वॉज गिवन बाय, एटॉमिक थ्योरी किसने दी है? डाल्टन ने। द प्रोसेस बाय विच मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984 इज रिलेटेड टू मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है? और ये था आपका GK की वीडियो और 15 क्वेश्चन की मिक्स क्वेश्चन की मिक्स क्वेश्चन थे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है? मैं आपको इसी तरह की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अगर देखिए, अगर मोटिवेट करने की ज़रूरत तो मेरे को है नहीं आपको, क्योंकि आप अगर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो आप खुद मोटिवेट हुए हो, एयरफोर्स नेवी NDA किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप अपने से मोटिवेट हो, मेरे से क्या मोटिवेट हो गया? आप अपने से मोटिवेट हो, क्यों? क्योंकि आप एक देश की सेवा के लिए जा रहे हो, देश की सेवा के लिए कौन जा सकता है जिसके जो पूरा फुली मोटिवेटेड होता है? अगर आप फुली मोटिवेटेड हो तो आप सब कुछ क्रैक कर सकते हो, ठीक है? और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बताना कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, और स्टे होम, अपने घर पे रहें, सेफ रहें, ठीक है? धन्यवाद।